सो प्रोटीन बाइंडिंग का अगले भाग में बाइंडिंग ऑफ द प्रोटीन्स जो कि हमारे शरीर में ब्लड में मौजूद होते हैं, टिश्यूज में, एवरीवेयर इट इज प्रेजेंट। तो उसके बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिस जो कि ड्रग्स जिनके साथ बाइंड कर सकती है, उन्हीं की डिटेल्स इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। प्रोटीन बाइंडिंग इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में वो वर्गीकृत है। सबसे पहला रक्त में मौजूद पीले रंग का तरल पदार्थ जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, वो प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है, जिसमें कि ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन और ग्लोब्यूलिन से युक्त काफी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में होता है ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन। ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन एक्चुअली मोर देन 60% कवर अप करता है प्लाज्मा का। और ये तो एक बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि जो भी प्रोटीन जितनी ज्यादा मात्रा में होगा ड्रग के साथ बाइंडिंग की, उसकी उतनी ज्यादा संभावनाएं होंगी, सीधी सी बात है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द एंडोजीनस कंपाउंड जैसे फैटी एसिड वाली ड्रग्स हैं वो, या फिर हम कहें मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स, 70% से ज्यादा ड्रग्स ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन से बाइंड होती हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस प्रोटीन में चार तरह की विभिन्न साइट्स होती हैं, मतलब जिसका जो संरचना है, उसका स्ट्रक्चर है, वो इस कदर खुला हुआ है कि चार जगह से ड्रग उसमें बाइंड हो सकती हैं। वारफारिन, अजाजोप्रिन, डाइजापाम, डिजिटॉक्सिन और टेमोक्सिफेन, चार बाइंडिंग साइट उसके नाम दिए गए हैं। इन साइट से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यही दवाएं सिर्फ उससे बाइंड हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये पॉपुलर मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए इनके नाम पर उन्हें सिर्फ रख दिया गया है। अब जैसे टेमोक्सिफेन है, मतलब टेमोक्सिफेन से मिलती जुलती जो मेडिसिन होंगी वो साइट नंबर 4 से अटैच होगी, मतलब इतनी बड़ी रेंज ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन कवर अप कर सकता है। दिस इज द 3D मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन जो हमने देखे, जो डोमेन यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, ये सारे डोमेन एक्चुअल में साइट्स के नाम हैं जहाँ पे इजिली ये ड्रग बाइंड हो सकती है। 3D स्ट्रक्चर मैंने इसलिए प्रेजेंट अप किया कि ताकि आप काफी और क्लोज से देख सके। अगर हकीकत में देखें तो ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। नंबर 2 पर है 44,000 मॉलिक्यूलर वेट के साथ अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये तकरीबन 3 से लेकर 5% तक का हिस्सा कवर अप करते हैं, जिसमें भी मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स लाइक इमिप्रामिन, लिडोकेन, प्रोपोलोल ये सब बाइंड हो सकती हैं। नंबर 3 पर आता है लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन भी एक तरीके के तैलीय पदार्थ हैं और जो कि काफी हाई डेंसिटी यानी कि अपनी घनत्वता के आधार पर उनका वर्गीकरण होता है। ये भी एक किस्म के प्रोटीन है जो रक्त में पाए जाते हैं और इसमें चार प्रकार के मॉलिक्यूल्स जो उसका क्लासिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहले हाई डेंसिटी, देन लो डेंसिटी, देन वेरी लो डेंसिटी और उसके बाद काइलोमाइक्रॉन्स। ये एक स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स के प्रोटीन बाइंडिंग के साथ के प्रोसेस। लिपोप्रोटीन्स की तरह ही अल्फा एसिड भी का काफी बड़ा रोल होता है क्योंकि इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। नंबर 4 पर है ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स भी चार क्लासेस में वर्गीकृत हैं, फाइव क्लासेस, दैट इज दी डेल्टा ग्लोब्यूलिन्स। तो जो ये ग्लोब्यूलिन्स है इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, मेजॉरिटी ऑफ दी मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स इससे बाइंड होते हैं। जैसे अल्फा एसिड है वो स्टेरॉयडल ड्रग्स, देन अल्फा 2 ADEK, बीटा 1 फेरासाइंस, देन कैरोटेनॉइड्स एंड एंटीजेंस। तो ये सारे जो ग्लोब्यूलिन्स हैं इनकी बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोटीन के बाद श्रेणी आती है दूसरे ब्लड के कंपोनेंट्स के ऊपर, जो दूसरे हिस्से हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पर आता है लाल जो रंग के हमारे सेल्स हैं, दैट इज दी रेड ब्लड सेल्स RBC। ये 40% ऑफ दी ब्लड का कवर करते हैं और इसीलिए हमारा ब्लड रेड कलर दिखाई देता है। और इनका साइज एल्ब्यूमिन्स की तुलना में 500 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। और 500 गुना बड़ा होने की कुछ वजहें हैं कि इसके बहुत सारे खुद के पार्ट्स हैं, जिसमें नंबर 1 पर हीमोग्लोबिन, देन कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड सेल मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर उसी कंपोनेंट्स है, इसकी वजह से भी बहुत चांसेस होते हैं ड्रग के RBC से बाइंड होने के। देन प्रोटीन और ब्लड कंपोनेंट्स के बाद नंबर आता है टिश्यूज का, मतलब हमारे जो शरीर में मौजूद ऊतक हैं जो कि और मिलकर के ऑर्गन्स को बनाते हैं। और टिश्यूज हाईली लिपोफिलिक नेचर के होते हैं, तैलीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो जो ड्रग है उनकी लिपोफिलिसिटी भी एक कारण बन जाती है उनके साथ बाइंडिंग का।
जिससे कि टिश्यू लोकलाइजेशन जैसी भी समस्याएं आती हैं। और साथ ही साथ हमने अपने पिछले वीडियोस में एक वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जाना था कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो ड्रग टिश्यूज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होकर के लोकलाइज हो जाती है, वहां पर स्थिर हो जाती है। तो टिश्यू लोकलाइजेशन और टिश्यू बाइंडिंग भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो एक मतलब बायोफार्मास्यूटिकल दृष्टिकोण से घातक चीज़ है, क्योंकि टिश्यू लोकलाइजेशन हमेशा टॉक्सिसिटी को जन्म देता है। तो बाइंडिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे नंबर पर लीवर, किडनी, लंग्स एंड देन मसल्स का नंबर आता है, क्योंकि ये कारण भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इन सभी ऑर्गन्स में क्रमशः रक्त का आवागमन दैट इज द ऑर्गन परफ्यूजन रेट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से डेफिनेटली ब्लड जैसी ब्लड में जब ड्रग्स एब्जॉर्ब होती हैं तो इन ऑर्गन्स में जाने का सबसे पहले उसका चांसेस होता है, क्योंकि वहां पर रक्त का आवागमन बहुत ज़्यादा है। और आवागमन ज़्यादा होता है इसीलिए इन ऑर्गन्स में मौजूद प्रोटीन्स जो कि जैसे लीवर में जो प्रोटीन्स मौजूद हैं उनके साथ बाइंडिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। देन उस कैटेगरी को कंटिन्यू करते हुए स्किन, किडनी, आईज, हेयर्स, बोन्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड, इस तरीके से क्रमशः टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाइंडिंग के लिए। सो आज के इस वीडियो का क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें कि आज हमने देखा कि ब्लड कंपोनेंट्स और प्रोटीन्स एंड प्लाज्मा एक्सक्लूसिवली के साथ बाइंडिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है, जिसमें एल्ब्यूमिन, अल्फा एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन और ग्लोबुलिन जिम्मेदार हैं। ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन के ऊपर एक एक्सक्लूसिव हमने कवरेज किया, क्योंकि ये जो प्रोटीन है सबसे ज़्यादा बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, इनका क्लासिफिकेशन लिपोप्रोटीन्स, देन ग्लोबुलिन्स, इसके बाद ब्लड सेल्स, उसमें भी एक्सक्लूसिवली आरबीसी एंड इट्स पार्ट्स, देन उसके बाद टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग, एंड टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग के जो मेजर रीजंस हैं दैट इज द लिपोफिलिसिटी। सो आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो फ्रूटफुल, इफ सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।